from Modi calling Congress weak on dealing with Pakistan to Congress leaders switching sides, here are the top political developments of today. Calling previous Congress governments weak on dealing with Pakistan over terrorism issue, Prime Minister Narendra Modi on Saturday claimed that leaders in the neighboring nation want Rahul Gandhi to become the next Prime Minister. Aatanki hamle ke baad Congress ki डरपोक सरकार दुनिया भर में जा जाकर रोती थी। ये स्थिति की पाकिस्तान, वो वक्त चला गया जब हम दुनिया में जाकर के रोते रहे। आज स्थिति ये है, पाकिस्तान दुनिया भर में जा जाकर के रो रहा है। In a public address, Congress leader Priyanka Gandhi mentioned her brother's nickname Shahzada while noting his 4,000-kilometer journey from Kanyakumari to Kashmir to engage with people and understand their concerns. Shahzade 4,000 kilometer paidal chale hain. Kanyakumari se Kashmir tak aapki samasyaon ko sunne ke liye chale hain. Meri behno se mile hain, mere bhaiyon se mile hain. किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। Congress leader Arvinder Singh Lovely has joined the BJP at the party's headquarters in Delhi. Union Minister Hardeep Singh Puri was also present during the event. अरविंद सिंह लवली रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दिल्ली कांग्रेस चीफ ऑन द 28th ऑफ अप्रैल। हम केवल आज हम ये पांच साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। ऑन राहुल गांधी कंटेस्टिंग लोकसभा पोल्स फ्रॉम टू सीट्स, कांग्रेस लीडर जयराम रमेश पॉइंटेड आउट दैट मेनी लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव कंटेस्टेड पोल्स फ्रॉम टू सीट्स। नरेंद्र मोदी दो सीटों से नहीं लड़े थे क्या? लालकृष्ण अडवाणी दो सीटों से कभी नहीं लड़े थे क्या? सुषमा स्वराज दो सीटों से नहीं लड़ी थी क्या? अटल बिहारी वाजपेयी दो सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृहमंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का। फॉर अपडेट्स ऑन इलेक्शंस एंड अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, फॉलो द ऑफिशियल चैनल ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ऑन YouTube.